हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोगों के लिए BTUP के एग्जाम से रिलेटेड। अभी हमने सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि एग्ज़ाम के लिए सेंटर जो है वो उसकी लिस्ट तैयार कर ली गई, वो कल पब्लिश होगा। इसी के संबंध में एक और अपडेट आया है, वो अपडेट क्या है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूरा वीडियो को देखते रहिए और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम 20 जनवरी से ही होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल अपडेट आया है BTUP की तरफ से। यहां पर देखिए सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद और यहां पर डेट देख लीजिए आप लोग, 6 तारीख मतलब 6 जनवरी को ये नोटिस जारी हुआ है। और ये नोटिस आपको BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की नोटिस जो है केवल कॉलेज के प्रिंसिपल जो होते हैं उनके ईमेल पर भेजा जाता है। यहां पर लिखा भी गया है ईमेल द्वारा विशेष ध्यान आकर्षण। इस नोटिस को पूरा देखते हैं और बताते हैं आपको इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें लिखा गया है विषय परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा एवं मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा दिसंबर 2021 ऑनलाइन संप्रेषण किए जाने हेतु उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में। फिर लिखा है महोदय, जो मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर का एग्ज़ाम जनवरी में हो रहा है, तो उसी के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है और उसके लिए क्या क्या उपकरण की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी नोटिस है ये। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 30/12/2021 के अनुक्रम में परिषद की आगामी विषम सेमेस्टर विशेष बैक परीक्षा एवं मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम परीक्षा दिसंबर 2021 दिनांक 20/1/2022 मतलब 20 जनवरी की बात इसमें भी बताई जा रही है, तो 20/1/2022 से परीक्षा आयोजित होने निर्धारित है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया होगा, आज के नोटिस से बिल्कुल कंफर्म है कि आपका एग्जाम 20 जनवरी से ही होगा। यहाँ पर देखिए फिर कहा जा रहा है कि पूर्व विषम सेमेस्टर मार्च 2021 की भांति उक्त परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों के ऑनलाइन संप्रेषण के संबंध में निम्नवत उपकरणों की व्यवस्था संस्था स्तर पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब, इस नोटिस का मतलब यही है कि जिस प्रकार से मार्च 2021 में एग्जाम जो हुआ था उसमें भी पेपर जो है, बोर्ड पेपर जो है मतलब कि कॉलेज को नहीं भेजता है, वो ऑनलाइन पेपर भेजता है, उसके बाद वहाँ से कॉलेज क्या करता है प्रिंट निकलाकर आपको प्रोवाइड करता है। तो उसी के संबंध में ये नोटिस है कि जिस प्रकार से मार्च 2021 में एग्जाम हुआ था और ऑनलाइन पेपर के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वही चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है। और ये आप लोगों को ये भी कन्फर्म हो गया इसमें कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो तैयार किए जा चुके हैं और उसके क्वेश्चन पेपर को जो कॉलेज को भेजा जाएगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, ओरिजिनल एंटीवायरस, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको पता होगा कि जब एग्ज़ाम जैसे आपका, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 2 बजे से है तो पेपर जो बोर्ड है, पेपर जो है 1:13 या फिर 1:14 इसके आसपास भेजता है और वो जो आपको पेपर मिलेगा उस पर शायद टाइमिंग भी निर्धारित रहता है कि किस टाइम ये प्रिंट निकाला गया है। तो इस हिसाब से आपको कन्फर्म हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 20 जनवरी से होगा, क्योंकि आपका पेपर जो है अब बोर्ड सभी कॉलेजों को भेजने के लिए नोटिस आ चुका है। तो ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए। बाकी इस प्रकार के सभी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।